साथ चलूं तेरे जब तक ना कहे तू मैं हारा। इतना ना मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा। ड्रेस बता दूं, ड्रेस मैंने आज पहना हुआ है सैमीज बाय नबीला का, और मेरे टैग बेकर्स के जूते जो मैं आपको हर दफा बताती हूँ, मुझे बड़ा ही अफसोस हुआ है कि टैग बेकर्स जो है ना कंपनी को बंद हो रही है। शायद बेशक ना लाओ, मैं बाद में बता दूँ। बहुत मुश्किल, बहुत अच्छा काम शायद करने की कोशिश कर रही है, मगर मैंने कहा ऐसा ना हो कि मैं वीडियो में से गायब हूँ। तो टेड बेकर्स का ना मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, इनकी कंपनी बंद हो रही है। शायद तुम्हें तो कोई दुख नहीं हुआ होगा। टेड बेकर्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रिटिश ब्रांड है, और मैं बड़ी रिस्पेक्ट करती थी। मैं जब दो तीन ब्रांड्स थे इंग्लैंड जब मैं पहली दफ़ा गई थी, तो मुझे था कि मैंने इधर ज़रूर जाना है। और ये टेड बेकर के उनका जो वो है ना सीनियर, उसने ये कहा है कि मैं जो मॉडर्न ट्रेंड्स हैं उनको हम लोग वो हमारी पॉलिसी के अगेंस्ट वो रूल्स और वो सब फैशन ट्रेंड्स हैं, तो शायद मैं फॉलो ना कर सकूँ, शायद क्या बेचारा नहीं कर सक रहा। उनमें से एक था मार्क्स एंड स्पेंसर्स के स्वेटर्स का मुझे बड़ा शौक था, कार्डिगन्स का। फिर मुझे नेक्स्ट की सेल का बहुत शौक था, दो तीन और ब्रांड्स थे, उनमें से एक टेड बेकर्स था। तो वो मैं हम लोग उधर इंग्लैंड जब गए तो सबसे पहले उधर स्टोर पे गए थे, लेकिन अब वो अनफॉर्चुनेटली बंद हो रहा है। बात ये है कि मुझे ना सब मैंने वैसे सोचा था कि मैं नर्सरी आज जाऊंगी और एक दो चीज़ें लेके आनी थी, लेकिन एज ऑलवेज फॉर द लास्ट 2-3 ईयर्स जो हो रहा है, रास्ते बंद हो जाते हैं, अचानक कंटेनर्स पड़े होते हैं और वो सब जो हालात होते हैं उसकी वजह से आपका पाकिस्तान में ना बहुत चीज़ें अनप्रिडिक्टेबल होती हैं। तो मैं हैरान होती हूँ कि बाहर के मुल्कों में उन्होंने एक एक साल पहले टिकट्स वगैरह बुक कराए होते हैं, हमें तो पता नहीं होता कब रास्ता बंद हो जाए, कब क्या हो। तो अल्लाह ने खैर करे हमारे मुल्क के हालात पे। अच्छा जी, तो दिखाने आज मैं ये लगी थी आपको, जो इतने मुझे मैसेजेस आए कि ये वाली जो गली वाला कम्फर्टर है ये कैसे बना हुआ है और इसका क्या मामला है, वो मैंने कहा सबसे पहले सुबह सुबह दिखा दूं, क्योंकि वो ज़रूरी है कि कोई वो बता रही थी उनके पास पीसेस पड़े हुए हैं तो वो ये बनाना चाह रही है। तो सबसे पहले तो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को ये अपने टेड बेकर के ये चप्पल दिखा दूं। एक मेरे पास ये न्यूड से कलर के ऑलमोस्ट वाइटिश हैं ये टेड बेकर के, और दूसरे वाले जो मैं बहुत ज़्यादा पहनती हूँ वो मेरे वैलेंटिनो के, असल में ये खदीजा के थे टेड बेकर के, और वैलेंटिनो के मेरे थे। खदीजा तो अपनी चुन 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 के चीज़ें सारी साथ लेके गई है, शायद उसने कोई रहम नहीं फरमाया, तो वो तो चुन चुन के अपनी चीज़ें सारी साथ ले गई। ये टेड बेकर के उसके जूते रह गए थे, वो भी मे बी उसके पास वैलेंटिनो के हैं, तो उसने कहा कि एक जैसे दो मैं क्यों रखूँ, तो इसलिए फिर अब उसकी अम्मा पहन रही हैं ये जूते। तो मैं सबसे पहले आपको कंफर्टर दिखा दूं, और इरशाद तुम्हें कोई खास बात करनी है मेरे से या किसी और से, आज के क्या मामला था पहले तुम बताओ। आज क्या तुम्हारा एजेंडा है लाइफ में, आज क्या करना है? आज के लाइफ की बेटी आई है जल्दी जाने। हाय अल्लाह इरशाद, हर इतनी बुरी बात तुमने बोल दी है वीडियो में, इतनी बुरी बात बोली है वीडियो में, बुरी बात है कि आज मैंने इरशाद जल्दी को जलती बोलती है हमेशा, जलती पे तेल डालती है, आज तुमने जलती जाना है, ये तो तुम्हारा अक्सर होता है। नहीं, बेटी आई हुई है, छोटे छोटे दोनों नवासे आए हुए हैं माशाल्लाह, उनके साथ वो आते हैं इधर तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है मेरे लिए, और नहीं वो ना हो तो फिर मुझे किसी चीज की नहीं। अच्छा अच्छा, नहीं तुम खैरियत से जाओ, ठीक है, मेरा तो मूड ही ख़राब हो गया इरशाद। इरशाद की इस बात के बाद तो बस बातें ख़त्म हो गई। अच्छा जी, मैं अब दिखा दूँ ये सब लोग जो पूछ रहे थे। असल में ना बेसिकली तो ये इसमें कि आपने ये पीसेज आपके पास घर में भी पड़े होते हैं, आप ख़रीद भी सकते हैं अगर आपको इतना पसंद है। इसमें आप कोई भी कलर पैलेट ले लें, इसमें मैरून और ब्लैक, ये इसका कलर पैलेट है, और इसकी दो जो पट्टियां हैं वो साइड पे लगाई हैं इस तरीके से। शादी दिखाने तो दो, ये इस तरीके से ये लगी हुई हैं पट्टियां, और ये इतना कंफर्टेबल है ना, इसके अंदर मेरे ख्याल से पतली शीट पॉलिएस्टर की है। अच्छा, इसमें ये स्क्वायर मस्टर्ड कलर ब्रेक कर है,
ये तीन चार कपड़े कितने यूज हुए हैं शायद 1 2 3 4 5 6 7 ये भी हाँ 7 7 पट्टियाँ इसमें यूज हुई हैं ठीक है ना। अच्छा जो इसकी सबसे क्यूट और अच्छी बात है वो ये इसके आखिर में जो टेसल दिए हैं वो ये ऐसे हैं छोटे 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 टुकड़े करके ना कतरने काट के ना उनको मतलब कट्स दे के तो उनको इस तरह टेसल के फॉर्म दिए साइडों पे इसके टेसल्स और ये है कम्फर्ट। तुम ऐसे गौर से देख रहे हो जैसे तुमने सी के मुझे दे देना होता है नया है ना तो ये अच्छा है ऐसा हाँ ये मेरी बहुत एक प्यारी बहन उसने डिज़ाइन किया था मतलब मेरी सगी बहन रू की गजा बहन है ना नहीं मतलब सख्त पथ मेरी असली बहन ना उसका उसने ये बनवाया था और ये मैंने फौरन से जाके उससे ले लिया था। और ये जो ये इस तरह के जो पीसेस वाला है पता नहीं मैंने ना बचपन में जब मैं लिटिल हाउस ऑन द प्रेरी और ये वो स्टोरी बुक्स पढ़ती थी हाँ तो मेरे फादर लेके आते होते थे वहां से उसमें ना छोटे छोटे रोजेस के और इंग्लिश प्रिंट्स के पैचेस जोड़ के और उसका वो बनाता था जो उसका नीचे लॉन्ग स्कर्ट और वो थी। फिर लिटिल हाउस ऑन द प्रेरी का सीरीज भी टीवी पे भी आना शुरू हो गया तो उनके आगे एप्रन होता था वो शायद उनके ऐसे टुकड़े होते थे मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। तो कैसा बेला में एक ज़माने में इस तरह पीसेस जोड़ के उन्होंने सोफे भी बनाए थे वो भी मुझे बड़े अच्छे लगते थे। तो ये है मामला इसका दिखा दूँ एक दफ़ा ये कंफर्ट है जिसकी सब मुझे बहुत कह रहे थे। अब जब ये सर्दियों की सेटिंग मैं करूँगी ना तो इसको हम इधर रखेंगे थोड़ी सी ऑटम की भी आपको पता चेंज कर देती हूँ मैं जैसे मैं इस पर ऑटम वो लीव्स वगैरह लगा देती हूँ थोड़ी थोड़ी सेटिंग करती होती हूँ आप लोगों के साथ में शेयर। अच्छा जी तो बात ये है कि अगर ड्रामों की बात थोड़ी सी हम कर लें तो अच्छा बिस्मिल कल शुरू हुआ है बहुत मज़ा आया देख के बिस्मिल हाँ देखा है कल बहुत ही अच्छा लगा मुझे चेंज लगी स्टोरी और सब कुछ अच्छा लगा। जो बहुत गुड लोग होते हैं ज़रूरी नहीं कि वो बहुत ही हीरो हों आप मतलब कि बहुत अच्छा होना बहुत अच्छी बात है लेकिन ज़रा सा जो हीरो हीरोइंस का थोड़ा सा उनका ग्रे शेड भी दिखा रहे हैं लाइफ का जो कि मुझे अच्छा लगता है। बात यह है कि आप अपने लिए जो मर्जी करें किसी का दिल ना तोड़ें किसी को दुख ना पहुंचाएं ये बहुत अच्छी बात है। मैंने देखा है जब जब कोई जो भी किसी का भी दिल दुखाता है तो सुकून से नहीं रहता और अल्लाह पूछता ज़रूर है तो अल्लाह के लिए ना करें खुद से सजा बचे किसी का कुछ नहीं जाएगा दूसरा ओवरकम कर जाएगा आपको खुद ही बड़े जूते पड़ेंगे अल्लाह से। और दूसरी बात ये है कि हाँ कभी हम कभी तुम मैं भी तक बहुत मज़ा आ रहा लेकिन पता नहीं फहद मुस्तफ़ा उस पर क्यों शक करने लग पड़ा मुझे बड़ा दुख हो रहा है उसको शक नहीं करना चाहिए शायद शक मतलब उसको हो रहा है कि शक इस सेंस में नहीं कि वो उसके साथ बुरी है वो इस बात पे कह रहा है कि ये जो है ये इससे मुझसे मजबूरी में शादी किया वो ये समझ रहा है। और जान से प्यारे जूनी का सब पूछे थे मुझे तो उसको अभी भी देख के बहुत मज़ा आ रहा है और वो तो मैं देखती हूँ और बस ड्रामे नूरजहाँ बहुत अच्छा नूरजहाँ बहुत अच्छा है और बस मुझे जो वो जो लड़की है ना कर्ली बालों वाली उसके हेयर स्टाइल को लेके ज़रा सा मुझे उलझन होती है बहुत ऐसे कस के यहाँ पे मेहंदियाँ और ये और वो काश कोई उसको पहले स्टाइलिस्ट बता देता कि वो ना बनाए तो अच्छी बात है। तो आज की वीडियो की तरफ चलते हैं अस्सलाम वालेकुम। अब ये मुझे सादिया नहीं पर मुझे तो पकौड़े जैसे लग रहे हैं मीठे पकौड़े जैसे होते हैं मज़े के हैं इरशाद तुम्हें कैसे लगे अच्छे लगे तब मैं चाय पीने लगी हूँ और सादिया से पूछती हूँ सादिया तुम खुश हो। अच्छा जी सादिया मुझसे पूछी थी कि चप्पल यही पहनी रखेंगे तो क्या करूँ यही पहननी पड़ेगी क्योंकि दूसरी पहनती है तो फिर जब टक टक की आवाज़ आती है तो सब फिर सबको बुरा लगता है मैं तो नहीं चाहती कि किसी को बुरा लगे। अच्छा मुझे दो तीन चीज़ें मैंने वो दिखा दी आपको जो जो वो था कंफर्टर टाइप जो बना था वो मैंने डिटेल से दिखा दिया नमाज कॉर्नर का है वो मैं दिखा देती हूँ। और मैं एक बात आपको साफ अभी बता रही हूँ और सादिया तुम गवाह हो सादिया जो है ना बहुत नेक है 5 वक्त की नमाजी है और बहुत नेक इंसान और हम दोनों ने ज़्यादातर तस्वीर करी होती है अक्सर चुप करके बैठी होती है जब मैं इस सबको पूछती हूँ तो मुझे कहती है मैं कहती हूँ सादी क्या पढ़ी हो तो कहती है 1000 दफ़ा अल्लाह अकबर पढ़ा है और इस तरह से ना तस्वीर हर वक्त इसके हाथ होती है अभी भी है ना अभी किचन में रखी है अभी किचन में रखी है उसने। अच्छा तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये आप बात जो मैं बताने लगी हूँ सभी उधर जाओ
वो ये कि ये वाली जो मैं जो भी चीज आप लोगों को दिखाती हूँ ना उसकी स्पेशल तैयारी नहीं कर रही होती, जैसा ये भी मेरा एज इट इज ऐसा ही है, इसको मैंने कोई खसूसी तौर पे साफ नहीं किया, कुछ नहीं किया, ये वैसे ही है। मेरा बताने का मकसद ये है कि घर में जो भी चीजें हैं ना वो आपकी नीट क्लीन इस तरह से होनी चाहिए रूटीन में, ताकि आपको कुछ एक्स्ट्रा ना करना पड़े। जैसे मैं कुछ लोगों को जानती हूँ, मुझे अफसोस होता है, उन्होंने कमरों में जो उनके खाली होते हैं ना, बम फटे हुए होते हैं कि कपड़े फालतू पड़े हैं सारी चीजें। अगर आप घर का काम करें, मेरे लिए बड़ा वो थेरेप्यूटिक, बड़ा सुकून दे होता है, गलत वर्ड बोल रही हूँ शायद, थेरेप्यूटिक होता है, क्योंकि मुझे ना बहुत मजा आता है। अगर मैं किसी चीज से परेशान हूँ या कुछ हूँ तो फिर मैं अपने घर का काम शाम कर लेती हूँ। तो बता रहे, तो ये मेरा नमाज वाला एरिया है। एक और चीज जो मैंने की हुई है ना, वो ये है कि मैंने सारे जो जानमाज है ना मेरे पास, बहुत सारे, उनको मैंने ऊपर नीचे करके बिछाया हुआ है। साथ में मेरी ये ट्रॉली है छोटी सी, मेरी ये ब्रास है, और ये वाली जो ट्रॉली है मैंने अपने ट्रॉलीज वाले व्लॉग में दिखाई हुई है। इसके ऊपर मैंने जो चीजें रखी हुई है वो मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये मेरी कुरान, ये मेरे तफसीर है कुरान की, ये मेरा छोटा सा कुरान जो मैंने आपको बताया था ना, मतलब कुरान पाक, ये किसी ने गिफ्ट किया था, और ये चांदी है, और ये ना स्पेन से एक वो आए थे, स्पेनिश थे, वो हमें विजिट कर रहे थे तो वो हमारे लिए लेकर आए थे, तो ये कुरान वो लाए थे उन में हमारे लिए, छोटा सा है, ये मैंने रखा होता है अपने पास। अच्छा जी, ये मेरे पास जो मेरी बुक है, ये मेरी बहुत प्यारी आंटी सदीक, उन्होंने मुझे गिफ्ट की थी, और ये इसमें जो ये है बुकमार्क, ये बहुत प्यारा सा, ये मेरी बहन फेरी ने मुझे दिया था, इस दफ़ा मैंने आपको दिखाया था जब वो आई थी, तो ये बुक है, ये आंटी ने मुझे दी थी, मैंने उसके ऊपर टिप्स और चीज़ें सारी अपनी नोट की हुई हैं, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें बातें थी वो, और अब ये ज़रा पुराना हो गया तो ये ज़यीफ़ होते जा रहे हैं इसके और आँख, तो ये अब सब पूछेंगे कौन सा है, तो ये नॉर्मल एक पंसूरता है जिसमें बहुत सारी वो हैं आयात और सूरतें लिखी हुई है ना, सादी यही होता है ना, तो आप जो नमाज के बाद पढ़ सकते हैं। ये फैज़ुल कुरान है मेरे दो जिल्द वाला। नीचे क्या है, नीचे है ये पाउच है, सादी ऐसा दिखाओगी तुम? अच्छा जी, मैंने कहा कि ये आपको मैं सारी यहाँ वाली जो इतने दिन से बस बात हो रही थी कि नमाज वाला कॉर्नर दिखाऊं, कॉर्नर दिखाऊं, तो आज मैंने सोचा कि नमाज वाला कॉर्नर दिखाती हूँ। सादी तुम आज क्यों रहे हो? नहीं, प्यारी लग रही है। अच्छा, थैंक यू। तो वो तो दिखाऊं, तो मैंने सोचा कि अभी मगरिब का वक्त है तो मैं ये आज दिखाई देती हूँ। तो ये वाला एरिया, ये तो मैंने भी आपको बताया ना कि ये क्या है सारा कुछ। मैंने जो चीज़ दिखानी है वो ये है, ये पाउच बहुत ही प्यारा सा और छोटा सा, इसमें ना बहुत छोटी छोटी डिटेल्स ही हैं, जैसे ये हाथ की एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, ये साथ इसके जो छोटे छोटे मुन्ने मुन्ने जो फुंदने से लगे हुए ना, बेटे करीब से दिखाती हूँ, देखिए इसके ऊपर भी काम हुआ हुआ है, और ये भी हाथ के ये भी एंड भी किया है। ये मेरी फ्रेंड ने ना खदीजा को उसकी शादी पे गिफ्ट किया था, जानमाज का पूरा सेट था, इसके साथ का जानमाज भी था, उस पर भी इसी तरह काम, पूरे जानमाज पे काम हुआ हुआ था, और वो एक ट्रंक था उसमें उसने उसको दिया था। तो इसमें मैंने क्या रखा हुआ है ये मैं दिखाती हूँ आपको, ये प्यारा सा पाउच है, इसके अंदर है ये सुंबल की तस्बीह, संदल की लकड़ी की तस्बीह है, और इतनी प्यारी इसमें से खुशबू आ रही होती है, और ये मेरी बहन मेरे लिए उम्रे से लेकर आई थी, जब वो उम्रे पर गई थी, तो मैंने जो मेरा उम्रे वाला व्लॉग है उसमें आपको नज़र भी आएगी। तो अल्लाह ताला से ये दुआ है कि जो भी मेरी बहन इस वक्त दुआएँ करी, अल्लाह ताला वो सब उसकी दुआएँ कबूल करना है आमीन। अच्छा जी, उसके अलावा इसके अंदर पाउच में क्या है, उसके अलावा मेरी डिजिटल तस्बीह है, जो कि मैं बहुत बेचारी हर वक्त मेरे हाथ में होती है, और ये जो डिजिटल तस्बीह है ना मेरी, बहुत प्यारी सी, प्यारी तो नहीं है, नॉर्मल स्टील की है मेरी, मुझे बहुत प्यारी है, मगर ये मेरी बहुत प्यारी आंटी सदीक ने मुझे दी थी, जिन्होंने मुझे बुक दी थी, और इस तस्बीह को आप, ये उस वक्त इतनी मुझे नई चीज़ लग रही थी, मुझे लगता था जैसे मुझे इतना बड़ा ख़जाना मिल गया, क्योंकि आई नेवर थॉट कि कोई इतनी डिजिट वाली भी तस्बीह हो सकती है इस दुनिया में ना।
तो ये जो है ना, ये मतलब मुझे लग रहा था जैसे खजाना मुझे मिल गया, क्योंकि इसमें इतने आप हजारों दफा विर्द कर सकते हैं या जो भी कोई आप तस्वीर कर सकते हैं वो आप करेंगे। तो मैंने, और ये आंटी ने मुझे दी थी, मुझे याद है ये 2000, भाई इतने साल हो गए, 32 ईयर्स पहले, 1992 की बात है, मुझे आंटी ने ये तब तस्वीर दी थी, तो ये तब से अभी तक मेरे पास है। अच्छा जी, ये जो दूसरी वाली है तस्वीर, ये मेरी फ्रेंड साइमा ने मुझे दी थी, ये इस चादर के साथ मैचिंग है, देखें ये मैचिंग है। तो जी क्योंकि रमज़ान में, इस रमज़ान में उसे मुझे दी थी, और मैं इसको पकड़ के ऐसे उंगली में पहन के और इस वाली से मैं पर्द करती थी क्योंकि इसमें ना ज़रा सा मुझे वो लगता था मुश्किल जैसे हो रहा है, वैसे तो ठीक है, लेकिन बात आदत की, मुझे बात इतने सालों से उसकी आदत है तो वो है। लेकिन हम लोग के घर के पास जो मस्जिद है ना, हमारे इस एरिया की बाय द वे जो मस्जिद है वो मेरे वालिद साहब ने बनाई हुई है, वो उन्होंने बनाई थी मस्जिद। तो वो जो मस्जिद में ख़वातीन के तरावियों का भी इंतज़ाम है, तो उस वक्त हम स्पेशल अपनी चादरें और अपनी चीज़ें अच्छी अच्छी लेके जाते थे, बड़ा मज़ा आता था। इफ्तारी करके रोज़ा खोल के आप तरावी के लिए उधर जाएं, और उसके बाद काफ़ी सारी हम फ्रेंड्स होती हैं, तरावी वगैरह पढ़ी, फिर बातें शातें की, थोड़ी सी वॉक की और घर आए। रमज़ान की एक अपनी बहुत ही रौनक सी होती है। अच्छा, बात मैं आपसे ये कर रही थी, सादिया खड़े होने का वक्त आ गया, इधर आ जाओ, बनाते बनाते आ जाओ, खैर। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि ये जो मेरी जगह है ना, जो मेरा तख्त है, ये आप यकीन करें कि मैं बता नहीं सकती कि मुझे अपने इस तख्त पे, अपने इस जानमाज पे बैठ के कितना सुकून मिलता है और मुझे कैसा लगता है। मुझे दुनिया में बड़े से बड़ा कोई गम या कोई तकलीफ या कुछ हो तो मुझे बस एक तरह से मुझे अर्ज होती है कि मैं जल्दी से अपने घर जाऊं और अपनी जानमाज पे बैठूं और अल्लाह ताला से दुआ करूं, और अल्लाह ताला वो दुआएं सुनता भी है, कबूल भी करता है। और बात यह है कि आप ये है कि कहीं कहीं लिखा हुआ है कि अपने घर की एक जगह को अल्लाह के नाम के लिए आबाद कर लो, और कहीं ये भी लिखा हुआ है कि जगह जगह बदल बदल के जगह नमाज पढ़ो। उसका एक मतलब तो ये भी है कि आप ट्रैवल करते रहें और दुनिया देखें और आप उन जगहों पे भी जाके नमाज पढ़ें, और फिर ये भी है कि आपको इस तरह का आप जगह एक घर में जगह बना लें, उधर आप अल्लाह ताला को याद करें। आजकल जैसे आबिद नहीं है तो कुछ कुछ रातें तो ऐसे होता है कि मैं पता नहीं फ़ौरन ही सो जाती हूँ, फिर तो मैं फजर के वक्त ही उठती हूँ। ज़्यादातर ये होता है कि मैं थोड़ा सा नैप लेके उठ जाती हूँ, फिर मैं इधर जानमाज पर ही पाई जाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, कुछ पढ़ लेती हूँ, अल्लाह ताला दुआएं कबूल फरमाए और अल्लाह ताला मेरे जैसे गुनाहगार बंदे की इबादत को भी कबूल फरमाए। तो आज की वीडियो मेरी ये थी, मेरे लिए मुझे दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारा ढेरों प्यार उन लोगों के लिए जो कि कल आबिद ने अपलोड की थी वीडियो जैन की और अपनी, उस पर इतना प्यार लोगों ने सबने दिया और इतनी दुआएं दी जैन को, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ दिल से आप सब लोगों की। और जैन की जो जर्नी है, जैन का जो सब लोग पूछे, वो ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत करम और मेहरबानी रही है। और ये है कि बच्चों ने खुद हिम्मत करनी होती है और माँ बाप का पीछे सहारा होना बहुत ज़रूरी होता है। तो माशाल्लाह आप दोनों, जैन और मरियम दोनों मिलके अपनी ज़िंदगी बना रहे हैं, इसी तरह खदीजा और हमज़ा दोनों अपनी ज़िंदगी मिलके बना रहे हैं। तो सब लोगों ने गेस भी सब कर रहे थे, तो जैन से ज़ाहिर है मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन मैं वाकई ये सही बात है कि मैं शायद सबसे ज़्यादा दुनिया में जैन से ही प्यार करती हूँ। लेकिन कोई मुझे कह रहा था कि आंटी आप खदीजा का नहीं कह रही, तो खदीजा तो मेरी बेटी है, ये दो आंखें हैं, एक जैन है एक मरियम है, एक हमज़ा एक खदीजा। कभी ऐसा हो सकता है कि इंसान को एक अपनी आँख से प्यार हो और एक आँख से ना प्यार हो, ऐसा ही है, चारों बच्चों अपने से ऐसे ही बहुत ज़्यादा प्यार है। तो कल मिलेंगे फिर किसी और बात के साथ, और प्लीज़ आप लोग दुआओं में ना नवीद को और सादिया को भी बहुत याद रखें। मैं दिल चाह रहा था ज़रा दाल चावल खाने का, तो इसने बड़े अच्छे दाल चावल बनाए हैं, रोस्ट
आपके साथ दोबारा दाल की लुक। अल्हम्दुलिल्लाह जी मेरी प्लेट खूबसूरत सी, अल्हम्दुलिल्लाह खाना खाने लगी हूँ। तो ये है मेरा रात का दिन। मैं खुदाफिस करने से पहले बता दूँ, कल पूरी वीडियो में मैं कहती रही हूँ जेंटलमैन 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 ड्रामा तो मैं देखती ही नहीं। एक्चुअली मैं उसमें बात कर रही हूँ कभी हम कभी तुम की, वो ज़रा नाम मुश्किल से मेरी ज़बान पे आता है। जेंटलमैन मैं नहीं देख रही इसलिए उसका कोई जिक्र नहीं हो रहा, इसलिए वो एक वो है गलती होगी मुझसे उस वीडियो में।